जय हिंद वंदे मातरम साथियों, दुखद खबर राजस्थान के चूरू जिले से प्राप्त हो रहे हैं। चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के गांव रबुड़ी के रहने वाले बीएसएफ के जवान सुरेश कुमार बेनीवाल वीरगति को प्राप्त हुए हैं। बताते चले कि सुरेश कुमार बेनीवाल वर्तमान में बिहार के किशनगंज में बीएसएफ की 17वीं बटालियन में तैनात थे, वहीं ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया। हालांकि शहादत की सूचना सैन्य अधिकारियों से परिजनों को प्राप्त हुई, लेकिन संतुष्टि प्रदान जवाब नहीं मिलने के कारण परिजनों को संदेह हुआ। वहीं बिना पोस्टमार्टम के आज अलसुबह जब पार्थिव पैतृक गांव पहुंचा तो स्थानीय लोग और ग्रामवासियों ने रोक दिया। वहीं सेना के जवानों से बातचीत के दौरान सामने आया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ में नहीं है। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि जवान सुरेश कुमार बेनीवाल से सीओ अपने घर पर काम करवाते थे और वे इस चीज से बेहद परेशान भी नजर आ रहे थे। पिछली बार जब छुट्टी आए तो उन्होंने अपने परिजनों को ये बात बताई थी। बताया जा रहा है कि सीओ ने पिछले 10 दिनों से ड्यूटी में अब्सेंट बता रखा है, लेकिन वे घर नहीं पहुंचे, वे अपने ड्यूटी पर ही थे। सीओ अपने बचाव के लिए उन्हें ऑफ ड्यूटी बता रहे हैं, लेकिन जवान सुरेश बेनीवाल अपने ड्यूटी पर तैनात थे और वहीं अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त भी हुए हैं। हालांकि अभी मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है और स्थानीय लोग नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके चलते धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। वहीं शहादत की खबर मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई। बताते चले कि इनके परिवार में बूढ़े माता पिता के साथ पत्नी व दो बेटे व एक बेटी है। शहादत की खबर मिलते ही घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया व क्षेत्रवासियों में शोक की लहर देखने को मिली है। वहीं इनका पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो हर किसी की आंख नम थी, लेकिन मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चलने के कारण को लेकर परिजन धरने पर बैठ गए हैं। लेकिन बीएसएफ के जवान सुरेश कुमार बेनीवाल, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, वे बिहार के किशनगंज में 17 बीएसएफ बटालियन में तैनात थे। जवान सुरेश कुमार बेनीवाल के परिजनों का आरोप है कि जवान ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन सीओ ने उन्हें ऑफ ड्यूटी क्यों बताया। सबसे पहला सवाल इसी बात को लेकर बन गया कि सीओ ऑफ ड्यूटी क्यों बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वे अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक को पत्र लिखा गया है, जिसमें सुरेश कुमार के मौत के प्रकरण में उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। उनमें उन्होंने पूरी घटना का विवरण देते हुए बताया कि सुरेश कुमार ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन उनका अचानक इस प्रकार से निधन हो जाना और सीओ के द्वारा ऑफ ड्यूटी बताना कहीं ना कहीं संदेशपद बना हुआ है। शहीद जवान सुरेश कुमार बेनीवाल के चरणों में अपर असम से यूट्यूब चैनल कोटि कोटि नमन करता है और उनके शहादत को सलाम करता है। वहीं आगे के अपडेट के लिए आप अपर असम से यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।